हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर उदय सिंह आपका उदय एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स में जो क्लास 11th का सिलेबस है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हम किसी भी चीज़ को जब हम मेज़र करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को हम माप करना चाहते हैं, तो हमेशा उसको हम एक यूनिट से कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि किसी आदमी की हाइट जो है वो 5 फिट की है या 6 फिट की है, तो इसका मतलब ये है कि एक फिट जो है एक बेसिक यूनिट हो गई, और इस यूनिट को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो सब आदमी की हाइट उतने बराबर है। इसी तरीके से अगर कोई 5 फिट का आदमी है, तो इसका मतलब अगर हम उसको 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे या 5 बार उसको रखेंगे एक ऊपर एक, तो वो उसके बराबर होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़, जो फिजिकल चीज़ होती है, चाहे वो लेंथ हो चाहे वो वेट हो, उसको हम किसी पर्टिकुलर यूनिट से कंपेयर करते हैं। ये जो यूनिट क्वांटिटी होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, और ये यूनिट क्वांटिटी जो है वो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड यूनिट क्वांटिटी है वो उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। दो तरीके की यूनिट क्वांटिटीज होती हैं, एक जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिसको कि हम फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया समय में मेज़र करने की फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो होती है आपकी सेकेंड्स। अब हमें अगर समय मेज़र करना है तो हम उसको मीटर में मेज़र नहीं कर सकते हैं, समय को हम जो है केजी में मेज़र नहीं कर सकते हैं, समय को हमें सेकंड में मेज़र करना होगा। भले ही हम सेकंड के मल्टीपल्स हैं, मिनट्स हैं, घंटे हैं, लेकिन एक जो समय की जो फंडामेंटल यूनिट है वो हो गई सेकंड। इसी तरीके से अगर हमें कोई लेंथ मेज़र करनी है तो उसको हम मीटर में मेज़र करते हैं या किलोमीटर में मेज़र करते हैं। तो इस तरीके से जो है हर एक जो डायमेंशंस हुए, हर डायमेंशन को मेज़र करने के लिए एक फंडामेंटल यूनिट है। उसी तरीके से इन फंडामेंटल यूनिट से हम बहुत सारी यूनिट्स को डेराइव करते हैं, जिसको कि हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे कि आपकी जो एक यूनिट हो गई आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब हो गया कि जो कितने डिस्टेंस आपने एक यूनिट टाइम में कवर की, तो चाहे आप उसको किलोमीटर पर आवर कह लीजिए या आप मीटर पर सेकेंड कह लीजिए, तो ये एक डेराइव्ड यूनिट है, क्योंकि इसमें दो फंडामेंटल यूनिट इस्तेमाल हो रही हैं, एक समय को मेज़र करने के लिए और एक डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो इसको हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, और ये जो कंप्लीट डेराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट दोनों को मिला करके जो सेट बनता है उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। पहले हर कंट्री में एक अलग अलग टाइप का मेजरमेंट सिस्टम हुआ करता था। जैसे कि कहीं कहीं पे CGS सिस्टम इस्तेमाल होता था। CGS का मतलब हो गया जहाँ पे हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करते थे, और जो आपका वेट है उसको ग्राम में मेज़र करते थे, और जो टाइम है उसको हम सेकंड में मेज़र करते थे। उसी तरीके से कुछ जगह पे जैसे ब्रिटेन में FPS सिस्टम हुआ करता था, जिसमें कि हम जो है लेंथ को फुट में मेज़र करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भी हम किसी आदमी की लेंथ जो है, हाइट जो है, उसको हम फीट में नॉर्मली कहते हैं। और उसी तरीके से अगर हमें वेट मेज़र करना होता तो पाउंड में मेज़र करते थे, या जो हमारा टाइम है उसको हम सेकंड में मेज़र करते थे। फिर एक MKS यूनिट हुआ करती थी जिसमें कि हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मेज़रमेंट करते थे। लेकिन अब हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम अडॉप्ट किया है जिसको हम SI सिस्टम कहते हैं, जिसका फ्रेंच वर्ड से इसका मीनिंग मिलता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनली द यूनिट। उसका मतलब वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें बेसिकली 7 यूनिट्स हैं, और ये जो 7 यूनिट्स हैं इसमें हम सारी जो है बेसिक चीज़ों को मेज़र करते हैं। जैसे अगर हमें लेंथ मेज़र करना है तो हम उसको मीटर में मेज़र करते हैं, अगर हमें मास को मेज़र करना है तो हम उसको किलो में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में, अगर हमें टाइम को मेज़र करना है तो हम उसको सेकंड से मेज़र करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं तो उसको हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, और अगर हमें टेम्परेचर को, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को मेज़र करना होता है तो उसको हम केल्विन में मेज़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको सेंटीग्रेड में भी कहते हैं, लेकिन केल्विन जो है वो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है। और उसी तरीके से अगर हमें सब्सटेंस को मेज़र करना है तो उसके लिए एक यूनिट इस्तेमाल होती है, मोल, जिसको कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करना चाहते हैं, जैसे ट्यूबलाइट जल रहा है या बल्ब जल रहा है, तो वो जो उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करने की जो यूनिट होती है उसको हम कैडिला कहते हैं। मोल क्या होता है? मोल का मतलब देखिए ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर आइटम जैसे कार्बन है, उसका जो अगर एटॉमिक जो मास है वो है 12। सो अगर हम 12 ग्राम कार्बन को लें और देखें कि उसके अंदर कितने सारे कार्बन के एटम्स हैं, तो वो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको हम एक मोल कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन को मेज़र करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल हुआ H2, उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हुए, तो अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन का लें और उसमें हम देखेंगे कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, तो वो एक मोल के बराबर होंगे। तो इसको हम एक यूनिट होती है जिसको हम मोल कहते हैं। मोल का मतलब ये हुआ
कि 1 ग्राम जो आपका सब्सटेंस है उसके अंदर कितने पर्टिकुलर एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। इसलिए जब हम मोल को इस्तेमाल करते हैं तो हमें यह बताना जरूरी रहता है कि वो हम एटम्स को मेज़र कर रहे हैं या मॉलिक्यूल्स को मेज़र कर रहे हैं या आयंस को मेज़र कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स को मेज़र कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया कि हाइड्रोजन हुआ, तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम जो आपका वेट में अगर हम मेज़र करेंगे तो उसमें 1 मोल मॉलिक्यूल का होगा, लेकिन एटम चूंकि हर एक मोल मॉलिक्यूल में 2 हैं तो उसमें 2 मोल जो हैं वो एटम के हो जाएंगे। 2 और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिसमें से एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं रेडियन। जब हम किसी प्लेन में कोई एंगल को मेज़र करते हैं तो उसको हम रेडियन में मेज़र करते हैं, हालांकि उसको हम अक्सर डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ये 5 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, लेकिन इसकी जो एक SI यूनिट्स है उसको हम बेसिकली रेडियन में हम इसको मेज़र करते हैं। और रेडियन का मतलब जो होता है वो ये होता है कि अगर मान लिया कि एक सर्किल लेते हैं तो सर्किल के अंदर बाहर एक आर्क की लेंथ को रखें और उसको डिवाइड कर दें रेडियस से, तो उसको हम कहते हैं रेडियन। और इसी तरीके से अगर स्फेयर होता है, स्फेयर के अंदर अगर हम जो एक सॉलिड एंगल को जो मेज़र करते हैं उसको हम स्टेरेडियन कहते हैं। और इसकी जो मेज़रमेंट यूनिट होती है वो होती है कि अगर जो एरिया होता है जो स्फेयर का एरिया होता है और उसको अगर हम लेंथ स्क्वायर से या रेडियस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो वो हम स्टेरेडियन कहते हैं। इसको मैं आपको फर्दर इन दोनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा कम से कम 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स भी होती हैं। ये 2 जो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इसमें से एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं रेडियन। ये जो रेडियन यूनिट होती है वो एंगल को मेजर करने में होती है, प्लेन एंगल, प्लेन में। तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं कि जैसे कि अगर आप एक सर्कल लेते हैं और इस सर्कल में अगर आपने कोई एक छोटा सा आर्क बनाया, ये तो ये जो एंगल हुआ इसको हम रेडियन कहते हैं। अब इसके अंदर हम कैसे इसको मेजर करते हैं कि ये जो आर्क की लेंथ है, मान लीजिए कि आर्क की लेंथ जो है ये आर्क है और इसकी जो लेंथ है इसको हम कहते हैं ds, और ये जो रेडियस है इसको हम कहते हैं r। तो जो रेडियन हुआ हमारा ये हुआ आपका ds डिवाइडेड बाई r। अब इसमें देखिए कि जो ds है ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, और ये जो r है ये भी लेंथ है, इनको हम मीटर में मेजर करेंगे और इसको भी मीटर में मेजर करेंगे, और इस तरीके से ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब अगर इस पूरे सर्कल का हम मेजर करें कि इस पूरे सर्कल में यहां से लेकर के यहां तक ये जो कितने रेडियन में हुआ, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो टोटल इसकी जो पेरिफेरी है वो कितने की हो जाएगी, 2πr, और ये अगर हम इसको रेडियस से डिवाइड करेंगे तो rr कट जाएगा, तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक जो रेडियस में मेजरमेंट होगा वो होगा 2π, एंड दैट इज इक्वल टू 2 × 3.14। तो ये जो है एक सर्कल का अगर हम देखें तो एक कंप्लीट सर्कल का अगर हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 × π आएगा। तो इस तरीके से ये रेडियन जो है ये प्लेन में अगर हमें कोई एंगल मेजर करना है तो उसको मेजर करते हैं। अब हम सॉलिड में जब मेजर करते हैं, 3 डायमेंशन में कोई चीजों को मेजर करते हैं तो उसको हम स्टेरेडियन कहते हैं। अब ये जो स्टेरेडियन है ये मान लीजिए कि एक स्फेयर है और उसका एक छोटा सा हमने टुकड़ा इसमें काट लिया और उसको हमने सर्कल से कनेक्ट किया, और ये मान लीजिए जो हमारा एंगल होता है वो डी ओमेगा है, और ये जो एरिया है इसको हम मान लिया इसको हम कहते हैं डी ए, ये जो एरिया है, और ये जो हमारी रेडियस है वो है आर। तो जो स्टेरेडियन है उसको हम डी ओमेगा जो हुआ वो हुआ डी ए, वो जो एरिया है, और इसको हम आर स्क्वायर। अब इसके डायमेंशंस भी देखेंगे तो डी ए जो है ये भी आपका मीटर इंटू मीटर है और रेडियस जो है ये भी मीटर इंटू मीटर है, और इस तरीके से ये सारे कट गए और ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन गई। अब अगर मान लीजिए कि हमको पूरे जो स्फेयर है उसका हम निकालना चाहते हैं कि उसका सॉलिड एंगल कितना होगा, तो ये जो सॉलिड एंगल है उसका वो हम कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले हम देखेंगे पूरा जो स्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो वो टोटल सरफेस एरिया जैसा कि हम जानते हैं ये होता है 4πr², r यहाँ पे रेडियस है। और अगर हम इसको r से r स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये r स्क्वायर कट गया और इस तरीके से 4π आ गया। तो एक जो एक पूरा एक स्फीयर होता है उसका जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4π के बराबर। जैसा कि हमने देखा था कि जो प्लेन होता है, प्लेन में अगर एक हम सर्कल लेते हैं तो जो कंप्लीट जो उसका जो प्लेन एंगल होता है वो 2π होता है। उसी तरीके से जो एक सॉलिड स्फीयर होता है उसके अंदर जो उसका कंप्लीट सॉलिड एंगल होता है वो 4π के बराबर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि हमारे जो टोटल 9 यूनिट्स हो जाती हैं, जिसमें कि हमारी 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हो गई और 2 जो हैं वो सप्लीमेंट्री फंडा यूनिट्स हो गई। और इन यूनिट्स की मदद से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी फिजिकल एंटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप इसमें कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।